सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुधनिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मेरे हाथ में आ गया है माइक्रोमैक्स का रिप्लेसमेंट यूनिट। जो प्री बुक में हमने ऑर्डर किया था उसमें हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आया। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम निकल के सामने आया था वो था कॉल का। जब भी हम कॉल करते तो कॉलिंग का विंडो ओपन नहीं होता, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, एक तरीके से मोबाइल हैंग हो जाता। मैंने तो फ्लिपकार्ट वालों से बोला भी था कि मेरा रिफंड आप कर दीजिए, तो फ्लिपकार्ट वालों ने बोला कि इस पर केवल सेलर की तरफ से रिप्लेसमेंट है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो फाइनली मेरे पास रिप्लेसमेंट वाला यूनिट आ गया है। देखते हैं रिप्लेसमेंट यूनिट आने के बाद इसमें क्या चेंजिंग हमें मिलता है। एज इट इज सेम वैसे ही मिलता है जैसे हमने प्री बुक वाला लिया था, या फिर उसमें कुछ चेंजिंग मिलता है। इसके बॉक्स में क्या मिलता है वो भी हम देखेंगे, और रिप्लेसमेंट यूनिट को हम अभी अनबॉक्स करने जा रहे हैं, उसके बाद इसको हम यूज करेंगे और 2-3 दिन बाद पता लगेगा हमें कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं, उसके बाद ही कुछ हम कह पाएंगे। अभी कोई श्योर नहीं है कि ये प्रोडक्ट हमारा सही निकलेगा या फिर इसके अंदर भी हमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो चलिए इसका फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो हमारा यूनिट है वो है रिप्लेसमेंट वाला। तो आपको मैं अच्छी तरीके से दिखा देता हूं कि जो रिप्लेसमेंट वाला यूनिट हमारे पास आता है वो किस तरीके का आता है। आप देख सकते हैं पूरा सील पैक है। चलिए तो इसको भी फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। सील तो पैक है। चलिए दोस्तों अब ब्रेक कर लेते हैं सील को आराम से, और सील ब्रेक हो गया है। और ये देखिए ओपन हो गया हमारा बॉक्स। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 64GB वेरिएंट 4GB रैम। इसके अंदर देख लेते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। रिप्लेसमेंट में कुछ अलग देखने को मिलता है या फिर सेम एज इट इज जो हमारा मेन यूनिट था वही मिलता है हमें। तो इसको फिलहाल कर देते हैं हम साइड, या देखते हैं अंदर हमें और बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। तो इसमें देखते हैं, ये दोस्तों सिम ट्रे पिन जो आपको मिल जाता है इसके अंदर। बॉक्स के अंदर की बात करें तो हमें चार्जर मिल जाता है इसके अंदर, इन ब्रांड का सी टाइप यूएसबी केबल है। अब आ जाते हैं सीधा सेट की तरफ। तो इसमें हमें रैप किया हुआ ये मिल जाता है, इसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको हमने बाहर निकाल लिया है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि यूनिट के ऊपर लगा हुआ है स्टीकर, स्टीकर है माइक्रोमैक्स का। इस पर मिल जाता है आपको IMEI नंबर, सर वैल्यू लिखा हुआ है 1.6 वेट पर केजी, एवरेज ओवर 1 ग्राम टिश्यू। तो इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमने निकाल दिया है, और इस पे मिल जाता है हमें एक और स्क्रीन गार्ड, स्क्रैच गार्ड कहेंगे, स्क्रैच गार्ड को हम निकाल देते हैं। फाइनली इसको अच्छी तरीके से देखने के बाद स्क्रीन पे हमें लग रहा है कि इस पे प्रोटेक्ट कवर लगा हुआ है, यानी स्क्रैच गार्ड इस पे लगा हुआ है। स्क्रैच गार्ड के नीचे भी हमें ग्लास का स्क्रीन गार्ड देखने को मिल रहा है। और फाइनली मैं इसको चेक कर पा रहा हूँ पूरा अच्छी तरीके से, इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आ जाए मुझे, तो मैं इस यूनिट को भी वापस कर दूँगा। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है इसकी स्क्रीन में, इसकी बॉडी के अंदर मुझे कोई भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिल रहा है, ब्रेक हो कहीं से या फिर लूज हो, तो ऐसा मुझे इसमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो फाइनली मैंने ये चेक कर लिया है, इसके अंदर अभी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है मुझे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैक साइड की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोगों की, जो है
इन ब्रांड का लोगो, इनका मतलब होता है इंडिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है यार जब इंडिया का नाम आता है, दिल में एक खुशी पैदा होती है। और सबसे अहम बात जो हमें देखने वाली है वो इसके सेटिंग्स की है। तो यहाँ पर जो हमें सेटिंग्स मिलता है इसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट हमारा प्री बुक वाला ऑर्डर था उसमें अलग फीचर थे और इसमें हमें अलग फीचर देखने को नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। इतने भी नए सेगमेंट आया है माइक्रोमैक्स का, शायद सब में ऐसा तब्दीली हो गया होगा आफ्टर अपडेट, जो हमारे पिछले वाले सेट के अंदर नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बैटरी सेवर का मिलता है, डेटा कनेक्शन का, जी हाँ ये नया फीचर हमें देखने को मिल गया है दोस्तों, डेटा कनेक्शन का। पहले यहाँ पर डेटा कनेक्शन का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, इसमें काफ़ी तब्दीली हमें देखने को मिल गई है हमारे सेट के अंदर। और आफ्टर रिप्लेसमेंट जो हमें तब देखने को मिला है वो काफ़ी अच्छा मिला है, क्योंकि जिससे मैं बात कर रहा था डेटा कनेक्शन की, पहले ये डेटा कनेक्शन यहाँ पर नहीं था। तो क्या होता था कि पता ही नहीं चलता था कि वाईफाई अगर हमने ऑन कर दिया तो हमारा डेटा कनेक्शन हमें ऑफ कैसे करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाके और अंदर जाना पड़ता था यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी कमी थी पिछले वाले सेट के अंदर जो इन्होंने फिक्स किया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइस ये था रिप्लेसमेंट यूनिट। देखा कि आपने इसमें बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड हो गए हैं जो पिछले वाले सेट के अंदर नहीं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। मुझे लगता है कि अगर आपके सेट में कोई दिक्कत आती है तो आप उसको फटाफट से रिप्लेसमेंट के लिए कर दीजिए, आपको रिप्लेसमेंट में बहुत ही जल्दी 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। और उसमें हम आशा करते हैं कि आपके जितने भी इशूज हैं वो सारे फिक्स होकर आपको मिल जाएंगे और वो इशू आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो। अगले वीडियो में कुछ और टेक्नो टिप्स की बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।